नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई के पास स्थित हिल स्टेशन माथेरान का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई पुणे से वहां नया साल का जश्न मनाने गए युवाओं के कपड़े उतरवाकर देशभक्ति के नारे लगवाए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। 25 से 30 साल की उम्र के ये युवा 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने माथेरान गए थे। इनके साथ वहां जो हुआ इसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कपड़े उतरवाकर इन्हें पूरी रात ऐसे ही रखा गया और माफी मंगवाते हुए वीडियो बनाया गया, देशभक्ति के नारे लगवाए गए। हे काय तू जाता मजा आता हे शोकर पूर्ण शोकर काय बोलता त्याला गांजा बोलता। ओके, ट्रैक के लिए आया था 31st, बट मेरे को मालूम नहीं था ऐसा इन लोग लाएंगे। शराब, अल्कोहल, स्नैक्स। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो माथेरान स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पेप किले का है। वीडियो में दिख रहे युवा मान रहे हैं कि वो किले पर न्यू ईयर पार्टी में शराब पी रहे थे। किले जैसी सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना प्रतिबंधित है। इनमें से कुछ ने गांजा पीने की बात भी मानी है, जबकि कुछ बता रहे हैं कि वो सिर्फ स्नैक्स ही ले रहे थे। तो यहाँ से ले जाने नहीं थे। हाँ, ड्रिंक ओके, ड्रिंक ओके। ट्रेकिंग के लिए दोस्तों के साथ आया। अच्छा, और 31 के लिए खास 31 साढ़े आ रहे थे बरोबर। पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है वो तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। माथेरान पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोपियों को समाज का ठेकेदार बनने का हक किसने दिया। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस और बीजेपी में अपने अपने महापुरुषों वाली लड़ाई का नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया है। बीजेपी जिन सावरकर को महान विचारक और आजादी का योद्धा मानती है, कांग्रेस कह रही है कि वो समलैंगिक थे। सावरकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे, विभाजन के समर्थक थे और मुसलमान विरोधी थे। ये बात तो कांग्रेस डंके की चोट पर कई सालों से कह रही है, लेकिन कांग्रेस को ताजा तरीन जानकारी ये मिली है कि सावरकर समलैंगिक भी थे और उनके समलैंगिक संबंध महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से थे। ये ज्ञान कांग्रेस ने बकायदा एक बुकलेट छपा कर उड़ेल दिया है। ये बुकलेट भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के कैंप में बांटी गई है, लेकिन सावरकर और गोडसे की सेक्सुअल प्राथमिकताओं की जानकारी 70 सालों बाद कहां से मिल गई, इस पर कांग्रेस मौन है। उसमें जो किताब में जो लिखा है वो क्लियरली फ्रीडम एट मिडनाइट के पृष्ठ नंबर 423 पे क्लियरली जो ऑथर है उसने लिखा हुआ है कि इनके कैसे संबंध थे, हम उसको कोट किए। अब सावरकर और गोडसे के जो भी संबंध हो निजी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सावरकर वैसे तो बीजेपी शिवसेना दोनों के लिए पूज्य हैं, लेकिन मराठी होने के चलते शिवसेना के लिए वो ज्यादा बड़े महापुरुष हैं। अब मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस शिवसेना की पार्टनर है। कोई और वक्त होता तो अब तक शिवसैनिकों ने मुंबई का आसमान सिर पर उठा लिया होता, लेकिन अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। देखिए, सावरकर को लेकर आक्षेप लगाने वाले जो लोग हैं उनका उनके दिमाग की जांच करनी चाहिए। सबसे बार बार वीर सावरकर जी के बारे में इस समाज का, राजनीति का, तबका जो बातें करता है, ये उनकी दिमाग की गंदगी है। कांग्रेस की ये नई रिसर्च बीजेपी को भी तीर की तरह चुभी है, लेकिन उसके सामने शिवसेना जैसी मजबूरी नहीं है, उल्टे मौका और भी अच्छा है कांग्रेस पर वार के साथ साथ शिवसेना को खून का घूंट पिलाने का। जो उसमें लिखा है वो घृणास्पद है, निंदनीय है, कांग्रेस के चारित्रिक वर्तन का प्रतीक है। इन लोगों को बहुत जल्दी मनोचिकित्सा की जरूरत है। वो उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सबको ये सब लोग अपना संतुलन खो चुके, पागल हो चुके। सियासत अपनी जगह पर, लेकिन सावरकर के वंशज कांग्रेस के इन आरोपों से बेहद आहत हैं और उद्धव सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई जिसको कोई बुनियाद नहीं है, ऐसी बातें लेकर व्यक्तिगत रूप से ऐसे घृणास्पद आरोप करना, ये कांग्रेस को तो शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस आज की कांग्रेस है, ये रीढ़ की हड्डी गवा चुकी है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी तो उनको वीर सपूत कहती थी, तब कांग्रेस वाले भी हाँ में हाँ मिलाते थे, मगर आप जब ये पप्पू इनका अनाप शनाप बातें करता है तो कांग्रेस वालों में होड़ लग गई है।
वैसे प्रगतिशील समाजों में समलैंगिकता को लेकर वर्जनाएं खत्म होती जा रही हैं। कई देश तो समलैंगिक संबंधों को बकायदा कानूनी मान्यता देने पर हैं। भारत जैसे पारंपरिक देश में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक के दायरे से बाहर कर दिया है। शिवसेना को सिर्फ ये तय करना है कि उसे एक समलैंगिक आइकॉन चलेगा या नहीं चलेगा। मुंबई से विद्या और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर इस मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मंत्रालय भी गए थे, लेकिन उद्धव उनसे बिना मिले चले गए। रंजीत सावरकर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी और सेवादल के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। दिन भर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, उनके सेक्रेटरीज को हमारे ऑफिस से फोन जाते रहे, मगर वो फोन उठाए नहीं गए, इसलिए मैसेज भी भेजा। फिर भी उसके बाद जब अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊँगा तो कम से कम एक मिनट का समय तो मुझे मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में गया तो मुझे बैठने के लिए वहाँ कहा गया, और काफी देर वहाँ बैठने के बाद पता चला कि मुख्यमंत्री चल गए हैं यहाँ से। आहत है आप मुख्यमंत्री के इस बर्ताव से? मुझे लगता था कि सावरकर के सम्मान की जब बात है उसके लिए वो कम से कम एक मिनट तो मेरा दुख सुनेंगे, मगर अभी उन्होंने नहीं सुना। तो ये निश्चित रूप से मुझे बात कार्रवाई की मांग की आपने? हाँ, मैंने कार्रवाई की मांग की है, मैंने उन्हें पत्र दे दिया है। अब उनके हाथ में कार्रवाई करे ना करे, मेरा काम मैं करते रहूंगा। अगर शासन के दरबार में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जनता के दरबार में जाऊँ। फर्गुसन कॉलेज पुणे का ऐतिहासिक कॉलेज है। यहाँ के छात्रों ने जेंडर इक्वलिटी का मैसेज देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। ये छात्र कॉलेज साड़ी पहनकर पहुंचे, देखिए कि कॉलेज में इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला। पुणे के फर्गुसन कॉलेज के ये तीन छात्र कॉलेज में साड़ी पहनकर पहुंचे तो सब हैरान रह गए, और इनकी दोस्त ने पहन रखा था सूट और टाई। शुरुआत गेट से ही हुई रिएक्शन आने की, लेकिन आया मिक्सिंग रिएक्शन आया। कुछ लोग बोले, यार ऋषिकेश क्या करके आए हो यार, मतलब ये प्रेजुडाइज माइंडसेट है, उनको हमने चेंज करने का थोड़ा सा प्रयास किया। हमने बदलाव होना चाहिए। दरअसल फर्गुसन कॉलेज में लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए टाई डे था, पर इन लड़कों ने जेंडर इक्वलिटी का संदेश देने के लिए साड़ी पहनने का फैसला किया। पहनते वक्त बहुत कठिन होता है, मतलब शर्ट पैंट तो हम दो मिनट में पहन लेते हैं, लेकिन वो बहुत सा अलग है, फिर पहनने के बाद भी वो संभालना बहुत बहुत मुश्किल हुए सच में बताए तो। चलते वक्त पहनना मुश्किल गया या उसके बाद में लोगों को फेस करना मुश्किल गया? आप पहनना तो देखा जाए तो है, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन जो मुश्किलात है वो बहुत आगे के बड़े हैं, मतलब माइंड सब साइकोलॉजिकली ये करते हैं। लोगों के विचार जो है अलग अलग से। इस काम में अपनी साड़ी देने से लेकर साड़ी पहनाने तक इनकी दोस्त ने मदद की। तो फिर अब मैंने उस टाइम बोला उनको, अब पता चला कि क्यों लगता है टाइम लोगों लड़कियों को रेडी होने में, और ऐसे मीन्स लाइक ड्रेस अप करना और फिर वो प्रॉपर है या नहीं वो देखना वगैरह सब ये जाता है उसमें, इसलिए। कॉलेज में साड़ी पहने लड़कों को देखकर ज्यादातरों ने जेंडर इक्वलिटी का संदेश देने के लिए इनके उठाए सांकेतिक कदम की काफी तारीफ की। इनके साथ खूब सेल्फी ली गई। हालांकि कॉलेज और सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल भी किया गया। हमें कुछ घंटे की वजह से इतना टॉर्चर कर रहे हैं या फिर इतने अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें मतलब समझा, तो मतलब हमें रिप्लाई देने की तो कोशिश की, हमारे लिए समय निकाला। लेकिन वो लोगों का क्या जो लोग मतलब पूरी लाइफ उनकी ऐसे बिता लेते हैं, उन लोगों का क्या, वो लोगों को ये लोग कैसे ट्रीट करते होंगे मतलब पूरी लाइफ के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे हमें एक विषमता और जो पुरुष सत्ता की व्यवस्था है उसका जो माइंड सेट है वो कितना अंदर तक जा चुका है इसका हमें मतलब पता चलता है, और उसमें बदलाव होने की कितनी ज़रूरत है। अब तक हमने जो सोचा था या हमने जो देखा था कि सिर्फ एक्टिविस्ट सामने आकर जेंडर इक्वलिटी स्त्री पुरुष समानता के लिए कुछ पहल करते हैं, लेकिन नहीं, इन छात्रों ने भी सामने आकर कुछ ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसका स्वागत आज समाज कर रहा है। भले कुछ लोग है जो इनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी समझना चाहिए कि इन्होंने जो किया है वो समाज में बदलाव लाने के लिए, कुछ पॉजिटिविटी निर्माण करने के लिए किया है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।